सब्सक्राइब करें टेक्निक फीवर यूट्यूब चैनल को और दबाएं बेल के आइकन को टेक वीडियोस हिंदी में सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, टेक्निक फीवर में आपका स्वागत है। दोस्तों आप जब भी कहीं बाहर जाते होंगे तो आपको क्रेडिट कार्ड कंपनी वाले बोलते होंगे कि हमसे क्रेडिट कार्ड बनवा लो, तो ऐसे में आप सोचते होंगे कि इनको क्या फायदा होता है, इतना पीछे क्यों पड़ते हैं हम लोगों के कि क्रेडिट कार्ड बनवा लो, क्योंकि उसमें हमें ही फायदा होता है, क्योंकि हमें 45 दिन के लिए वो पैसा जो है इस्तेमाल करने के लिए मिल जाता है। तो अक्सर मेरे मन में भी आता था कि भाई इनको फायदा क्या होता है, क्यों इतना पीछे पड़ते हैं, और जबकि टाइम पे अगर आप बिल भर दो तो आपको कुछ भी देना नहीं पड़ता है। तो आज के इस वीडियो में मैं यही बताने वाला हूँ कि क्रेडिट कार्ड कंपनी कैसे कमाती है, क्या जरिया होता है, ये कैसे अर्न करती है, जो कि इतना बड़ा स्टाफ को भी पेमेंट करना होता है, खुद का भी बेनिफिट होता है, तो ये कहां से इनका जो खर्चा चलता है। तो सबसे पहला जो जरिया है इनकी कमाई का वो है मर्चेंट, यानी जिस भी व्यापारी को हम पेमेंट करते हैं तो उनसे जो हर एक ट्रांजेक्शन के लिए 2-3% तक लेते हैं, हर एक ट्रांजेक्शन के लिए। आप कपड़े खरीदे मॉल से, या कोई भी सामान खरीदे, या पेट्रोल डीजल खरीदते हैं, ऐसे में जो मर्चेंट होता है वो इनको 2-3% जो है चार्ज देता है हर एक ट्रांजेक्शन का। तो ऐसे में इनको काफी ज्यादा मुनाफा यहाँ से हो जाता है। और इन लोगों को दूसरा बड़ा बेनिफिट होता है इंटरेस्ट से। मान लीजिए कि आपने पेमेंट नहीं करी, आपने मिनिमम पेमेंट भर दिया, ऐसे में आपको इंटरेस्ट पड़ती है, और उसी इंटरेस्ट से ये लोग वहां पैसा जनरेट कर पाते हैं। इसके बाद लेट फी, अगर आप बढ़ते नहीं तो लेट फी चार्जेस लगते हैं, उससे कमाते हैं। और इसके अलावा आपके कार्ड पर जो सालाना चार्ज लगता है, एनुअली चार्ज लगता है, जो फी लगती है, उससे भी ये अर्न करते हैं। लेकिन सिंपल जो यूजर होता है उसके जो चार्ज लगता है वो 500 रुपीज लगते हैं। तो ऐसे में बहुत बड़ी रकम नहीं होती है 500 रुपीज की, भाई सब बहुत ज्यादा कमा ली उन्होंने एक साल में एक यूजर से। लेकिन जो इनके प्लेटिनियम और गोल्ड के कस्टमर होते हैं उनकी जो लिमिट है वो काफी ज्यादा होती है। तो ऐसे में उनसे 5,000 से 10,000 रुपए तक या 20,000 रुपए तक एक साल में कमा लेते हैं एनुअल फीस के रूप में। और इसके अलावा आप जब भी शॉपिंग करते होंगे ऑनलाइन अमेजोन फ्लिपकार्ट, तो आप देखते होंगे ये वाली क्रेडिट कार्ड कंपनी ये ऑफर दे रही है वहां पर। ये क्रेडिट कार्ड कंपनी आपको ऑफर नहीं देती है, ये अल्टीमेटली मर्चेंट से वो ऑफर लेती है और आपको दिखाती है और अपने क्रेडिट कार्ड से परचेस करवाती है। ऐसे में ये वहां से मर्चेंट से और ज्यादा बेनिफिट ले लेती है। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आपको समझ में आ गया होगा किस तरह से क्रेडिट कार्ड कंपनी पैसे कमाती है और इनको क्या बेनिफिट होता है हमसे क्रेडिट कार्ड बनवाने से। तो इसी के साथ मिलूंगा आपसे अपने किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहे और सीखते रहे कोई नई टेक्निक।